पिछले वीडियो में हमने ये बेसिक कोड आपको चला करके दिखाया था कि इस बेसिक कोड से आप अपने टेलीग्राम बॉट को कैसे चला सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोड जेएस और वीएस कोड दोनों चीज़ों को आपको इंस्टॉल करवाया था। यहाँ पर मैंने नोड जेएस, वीएस कोड और उसके बाद में फिर npm से टेलीग्राफ लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करवाया था और इसका सारा सेटअप मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था। और यहाँ पर ये वाला कोड भी आपको चला करके दिखाया था कि ये कैसे रिप्लाई करेगा, लेकिन इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कोड को एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ ही में आपको टेलीग्राफ लाइब्रेरी को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पिछला कोड था इसको ही हम समझ लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद में हम और सारी चीज़ें करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हमारा थर्ड वीडियो है तो 3 बेसिक कोड या फिर बेसिक डॉट जे एस हम यहाँ पर कर देंगे। अब हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमें किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करना है तो उसे सबसे पहले हमें रिक्वायर करना पड़ता है, यानी उसे कोड में इंपोर्ट करना पड़ता है, उस मॉड्यूल को लाना पड़ता है कोड में। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टेलीग्राफ। यहाँ पर हम ये टेलीग्राफ को क्या कर रहे हैं, अपने कोड में ला रहे हैं, यानी रिक्वायर कर रहे हैं किससे, टेलीग्राफ मॉड्यूल से, जिसको हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था npm से। अब यहाँ पर ये जो टेलीग्राफ क्लास है ये हमने क्या किया, इस मॉड्यूल से रिक्वायर कर लिया है, यानी इसको यूज़ करने के लिए इस मॉड्यूल से ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राफ क्लास से एक इंस्टेंस बना सकते हैं, यानी ये समझ लो कि हमें बॉल बनाने की मशीन मिल गई है। अब इस मशीन से हम अपने लिए कई सारी बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बॉल की ज़रूरत है क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉल बनाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, यानी हमें सिर्फ एक ही बॉट का इंस्टेंस चाहिए, हमें कई सारे बॉट्स एक साथ नहीं रन करने हैं, हमें सिर्फ एक ही बॉट, यानी जो हमने कल आपको दिखाया था उसी बॉट को हम टेस्ट करके दिखाएँगे। इससे यहाँ पर ये टेलीग्राफ क्लास का हम एक इंस्टेंस बनाएंगे और अपने बॉट की आईडी इसको देंगे, जिससे ये हमारे बॉट की आईडी से हमारे बॉट को ऑपरेट कर सके, जिससे ये हमारे बॉट की आईडी को लेकर के इसको ऐसी पावर दे सके कि हमारे बॉट को ये एक्सेस करके कुछ भी कर सके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करते हैं बॉट फादर, और यहाँ पर ये हमारा सिड का टू बॉट का यहाँ पर हमको टोकन मिल जाएगा। अगर आपको ये टोकन यहाँ से ऐसे ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर माई बॉट्स पे क्लिक कर सकते हो, और ये देखो मेरा ये सिड का टू बॉट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो इस पर क्लिक करूँगा, API टोकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरा API टोकन मिल जाएगा। इसको कॉपी करूँगा और वहाँ पर इसमें पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दूंगा, वरना ये एरर देगा, और इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी ये मेरा बॉट रेडी है यूज़ करने के लिए, इस बॉट से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि बॉट डॉट ऑन, बॉट डॉट एक्शन, कई सारे इसमें कमांड हैंडलर हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे बेसिक हैंडलर आपको दिखाता हूँ, जो कि है स्टार्ट, तो यानी बॉट डॉट स्टार्ट। जब भी कोई स्टार्ट कमांड सेंड करे तब क्या हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, CTX हमें यहाँ से मिल जाएगा, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसमें एक मेथड होता है रिप्लाई नाम से, उसको यूज़ करके हम उसको सेंड कर देंगे हाय, और यहाँ पर बॉट डॉट लॉन्च। ठीक है, ये चीज़ हमेशा लास्ट में ऐड कर देना, वरना अगर ये चीज़ ऐड नहीं करोगे तो बॉट रन नहीं करेगा। मैं इसको भी आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ हम क्यों ऐड करते हैं, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि इसको ऐड करना पड़ता है, वरना अगर आप इसको लॉन्च नहीं करोगे तो बॉट रन नहीं करेगा। अब ये जो हमारा बेसिक कोड है इसको हमें रन भी करना पड़ेगा, रन करने के लिए हमें टर्मिनल चाहिए, और टर्मिनल हम यहाँ से न्यू टर्मिनल ले लेंगे, और हम यहाँ पर टर्मिनल अभी बॉट बाई js पे है, लेकिन हमें इसको एक कदम आगे बढ़ा कर कोड्स पे लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cd कोड्स, तो हम यहाँ पर कोड्स के अंदर आ गए हैं।
अब हम यहाँ पर रन करेंगे ये वाला कोड नोड और उसके बाद में 3_basic.js 3_basic जो भी हमको कोड अपना रन करना होता है उस फाइल का हम नाम लिखते हैं और उससे पहले हम नोड लिखते हैं। अब इसको एंटर करेंगे। अब हमारा ये वाला कोड रन हो रहा है। चलो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर देखते हैं कि ये वाला कोड हमारा रन हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर अब इसको स्टार्ट कमांड सेंड करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ स्टार्ट कमांड का ही बताया है। तो ये देखो जैसे ही हम इसको स्टार्ट सेंड कर रहे हैं तो ये हमें हाई सेंड कर रहा है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट सेंड कर रहे हैं तो ये हमें हाई सेंड कर रहा है। अब एक और ऐसा ही होता है जैसे इसमें स्टार्ट है वैसे ही हेल्प होता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बॉट डॉट स्टार्ट वाला है वैसे हम यहाँ पर हेल्प वाला भी बना देते हैं। हेल्प वाले में क्या होगा, ये CTX तो हम इसको देंगे ही, CTX.reply। जब कोई हमें हेल्प वाला कमांड सेंड करेगा तब हम उसको क्या सेंड करेंगे, हम उसको सेंड करेंगे हेलो। यानी जब हमें कोई स्टार्ट वाला कमांड सेंड करेगा तब हम उसको हाय बोलेंगे और जब हमें कोई हेल्प वाला कमांड सेंड करेगा तब हम उसको हेलो बोलेंगे। अब मैं इसको सर्वर को ऑन कर देता हूँ। अब ये मेरा सर्वर ऑन है। यहाँ पर हेल्प के लिए फिर से करता हूँ तो ये देखो हेलो आने लगा। स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट पर हाय बोल रहा है और हेल्प पर हेलो बोल रहा है। तो हम यहाँ पर जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाय की बजाय जब कोई स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 उसको सेंड कर देंगे। देखते हैं होता है कि नहीं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, स्टार्ट करेंगे तो अभी भी हाय आ रहा है क्योंकि हमको क्या करना है, पहले इसको कंट्रोल एस से सेव करना है फिर उसके बाद में कंट्रोल सी से ये टर्मिनल पे जो ये चल रहा है सर्वर इसको बंद करना है, फिर से इसको ऑन करना है और अब यहाँ पर जा कर के स्टार्ट करेंगे तो ये 1, 2, 3 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टार्ट और हेल्प ये दो हैंडलर पता चल गए होंगे। लेकिन ये जो CTX.reply है यहाँ पर रिप्लाई के बजाय कई सारे मेथड्स होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो है CTX.reply वाला फंक्शन इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब इनके अंदर ये CTX.reply कितने भी सारे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया, अब दो बार लिख सकता हूँ, चाहे जितने बार भी लिख सकता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको दो बार कर दिया है, यानी जब भी कोई स्टार्ट कमांड सेंड करेगा तो उसको दो बार 1, 2, 3, 1, 2, 3 जाएगा। दिखाता हूँ, जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट कमांड कोई सेंड करेगा सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव, सर्वर को बंद और फिर से सर्वर को चालू। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 दो बार आया, फिर से 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो यहाँ पर अब दो दो बार जाएगा। और कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से जानेंगे। तो अभी सिर्फ हम रिप्लाई वाला ही फंक्शन समझेंगे और यहाँ पर स्टार्ट और हेल्प हैंडलर्स इस वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट हैंडलर के साथ किया था वैसे ही आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर हेल्प हैंडलर के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको हटा करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जैसे कि 1, 2, 3 के बजाय यहाँ पर इसमें 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, ये दो मैसेज अलग अलग जाएंगे जब भी कोई हमें कुछ भी रिप्लाई में हेल्प में करेगा। जैसे कि हेल्प मुझे सेंड करेगा तो यहाँ पर इसमें पहले वाला 1 जाएगा फिर दूसरा जाएगा। जैसे यहाँ पर हेल्प में करता हूँ, ये देखो हेल्प मैंने सेंड किया तो अभी तो ये पुराना वाला ही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना सर्वर बंद करना पड़ेगा कंट्रोल सी से और उसके बाद में फिर से चालू करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर हेल्प 1, 2। अभी चलो हम देख लेते हैं ये टेलीग्राफ के बारे में। तो टेलीग्राफ के बारे में अगर आपको जानना है और सारी चीज़ें तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्च करोगे टेलीग्राफ उसके बाद JS
यहाँ पर ये देखो दूसरे नंबर पे ये टेलीग्राफ के बारे में गिटहब रिपोजिटरी है, इस पे आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर इनका एग्जांपल कोड लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसकी सारी चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल कोड, और ये देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। चलो मैं इसमें से एक एग्जांपल कोड उठा लेता हूँ, जैसे कि ये पहला वाला, और इसको उठा करके आपको यहाँ पर इसकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा तीसरा ही वीडियो चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3_example.js। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, जो मेरा बॉट टोकन है वो मैं इसको दे दूंगा, वरना ये रन नहीं होगा, क्योंकि इसको बॉट टोकन चाहिए होता है। मैं ये पूरी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ इसको हटा करके। पहला हमारा पुराना सर्वर जो चल रहा है उसको बंद करके 3_example.js फाइल को रन करना पड़ेगा। तो इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नोड 3_example.js। तो ये मेरा कोड अब रन होने लगा। चलो इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर सेंड करता हूँ स्टार्ट, तो यहाँ पर वेलकम आया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी कोई स्टार्ट सेंड करे तो उसको वेलकम बोलो। अब यहाँ पर हेल्प वाला तो सेंड मी अ स्टिकर बोलेगा, चलो इसको हेल्प वाले में करते हैं। तो देखो सेंड मी अ स्टिकर बोला। अब यहाँ पर जैसे मैं इसमें बोला है बॉट डॉट ऑन मैसेज स्टिकर, जब भी कोई मैसेज में स्टिकर आता है तब उसको रिप्लाई कर दो थम वाला इमोजी। यानी अगर मैं इसको एक स्टिकर सेंड करूं, यहां से जैसे मैं ये स्टिकर सेंड करता हूं, तो यहां पर ये देखो ये थम वाला इमोजी मुझे सेंड कर दिया इसने। अगर कोई इसको हाय बोलता है तो इसके बदले में ये हे देयर बोलेगा। चलो मैं इसको दिखा देता हूं, मैं इसको हाय बोलता हूं, ये देखो यहां पर हे देयर इसने सेंड कर दिया। तो मैंने यहां पर इसकी सारी चीज़ें आपको टेस्ट करके दिखा दी कि इस एग्जाम्पल में क्या था। चलो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये लास्ट वाला है जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, इसको भी दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ 3_example.2.js, और इसमें भी वही सब पेस्ट कर देता हूँ, और ये टोकन चेंज कर देता हूँ जो मेरा पुराना है। और इसको कंट्रोल एस से सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये देखो ओल्ड स्कूल कमांड है, और कमांड कौन सी है, हाइप स्टर कमांड है। चलो इनको भी दिखा देता हूँ, ओल्ड स्कूल कमांड सबसे पहले सेंड करके दिखाता हूँ, और हाइप स्टर, उससे पहले मुझे पहला जो सर्वर चल रहा था उसको बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल सी से बंद, और अभी नया सर्वर ऑन करना पड़ेगा जिसका नाम है 3_example.2.js, जो कि ये वाली फ़ाइल का कोड ये वाला है। तो मैंने इस फाइल का कोड अब रन कर दिया। अब यहाँ पर मैं ओल्ड स्कूल कमांड जो है उसको सेंड करता हूँ, तो देखो हेलो इसने सेंड किया, जो कि इसमें है। अगर ओल्ड स्कूल कमांड आए तो इसको रिप्लाई करना पड़ेगा हेलो। अब जैसे हाइपस्टर कमांड इसको सेंड करता हूँ, तो ये लेमडा सेंड करेगा मुझे, तो मैं इसको हाइपस्टर कमांड हाइपस्टर। तो यहाँ पर मैंने आपको कमांड वाला भी टेस्ट करके दिखा दिया कि कमांड वाला कैसे होता है। ये जो चीज़ें हैं ये बॉट को स्टॉप करने के लिए काम आती हैं, जो कि बाद में बताऊंगा। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यह था कि आपको कम से कम इसमें बेसिक नॉलेज आ जाए कि क्या चीज़ होने से क्या चीज़ इसमें रिप्लाई में जाता है, और कैसे कैसे क्या होता है। बस इसमें मुझे आपको बेसिक आइडिया इस चीज़ का देना था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।